उज्जैन में 1 लाख लोगों ने एक साथ बैठकर शाकाहार का संकल्प लिया। बाबा जय गुरुदेव महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ यह आयोजन। आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक बार फिर सिंहस्थ कुंभ का नजारा देखने को मिला। यहां जय गुरुदेव आश्रम में देश भर से करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आए। दरअसल इन श्रद्धालुओं का एक पांडाल के नीचे आने का उद्देश्य शाकाहार को अपनाना और मांसाहार को छोड़ना था। यहां देशभर से आए श्रद्धालुओं ने एक आवेदन पत्र भरकर अपनी उपस्थिति दर्ज की और उसके बाद गुरुदेव से दीक्षा लेकर शाकाहारी रहने का प्रण लिया। इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जिसके लिए इस संस्थान के 2 सदस्य मौजूद थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की। कार्यक्रम में कई VIP शामिल हुए। यहां आए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने शाकाहार की शपथ ली। हालांकि मंत्री गहलोत पूर्व से ही शाकाहारी रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाला शाकाहार सम्मेलन ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ है। 1 लाख से अधिक लोगों ने शाकाहारी बनने की एक साथ एक स्थान पर बैठ करके 1 लाख लोगों ने शाकाहारी होने का संकल्प लिया। ये शाकाहारी रहेंगे और लोगों को शाकाहारी बनाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, MLA MP, बड़े बड़े उद्योगपति, जज, वकील, काश्तकार, व्यापारी, नौजवान, मजदूर, हर जात मजहब के लोगों ने भाग लिया और शाकाहारी होने का संकल्प आज सभी लोगों ने यहाँ लिया है महाराज जी के द्वारा, और हम सब लोगों ने भी संकल्प लिया है। और आगे जिन लोगों जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनको हम आगे प्रेरित करेंगे कि वो भी शाकाहारी बने।